फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 13 Pro Android मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का YouTube नहीं चल रहा है, YouTube में वीडियो प्ले नहीं हो रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे एप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपके कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब आपको जो है ना बाहर आना है, ठीक है। बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है यूट्यूब का, यूट्यूब का जो ऐप है इसे उंगली से दबा के रखना है, तो आपका पेज आता है छोटा सा, इसमें ऐप इन्फो का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका पेज आएगा ना, इसमें भी आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपके कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सर्च बार में सिस्टम सिक्योरिटी आपको लिखना है, नीचे सिस्टम सिक्योरिटी का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब देखिए इस पेज में आपको नीचे सिक्योरिटी अपडेट का ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड में एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, ये इरेज ऑल डेटा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा पे आप दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।